नमस्कार दोस्तों, मैं सुजीत कुमार सिंह एडवांस एक्सेल ट्रेनिंग सेंटर से आपका स्वागत करता हूँ इस हमारे डीवीडी की वीडियो सीरीज में। और यह हमारे 2016-19 की डीवीडी बन रही है और डीवीडी का तीसरा वीडियो है जिसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सेल की फाइल प्रॉपर्टी टेम्पलेट के बारे और एडजस्टमेंट सिस्टम के बारे में। और हमने इस वीडियो की कुछ इस सीरीज की कुछ वीडियोज हमने YouTube पे अपलोड की हुई है। आप YouTube पे जाएंगे, सर्च बार में अगर आप IPT इंडिया को सर्च करेंगे तो आपको हमारे वीडियोज सारे वीडियोज की अपडेट मिल जाएगी। जैसे देखिए यहाँ पे हमने वीडियो अपलोड की है, तो इस तरह से वीडियो की अपलोड आपको मिल जाएगी। तो 2016 और 19 मतलब दोनों में कोई खास प्रॉब्लम ये नहीं है, मतलब कि डिफरेंस नहीं है, लेकिन कुछ नए फीचर्स आए हैं। तो 2016 एंड 19 की वीडियोज में हम बात कर रहे हैं सबसे पहले एड्रेसिंग सिस्टम के बारे में कि एक्सेल का जो एड्रेसिंग सिस्टम है वो क्या है। तो जैसे कि हमने शुरुआती क्लास में आपके साथ डिस्कस किया था कि हमारे पास बुक वन मतलब एक वर्कबुक होता है, उसमें शीट होता है और नंबर ऑफ शीट हम ऐड भी कर सकते हैं। उसी तरह से हमारे पास एक रेंज होता है, इसमें एक रो एंड एक कॉलम होता है। जो भी डेटा स्टोर करते हैं वो एक सेल के ऊपर होता है और हर एक सेल का एड्रेस होता है। जैसे कि इसका एड्रेस है A1, इट मींस ए कॉलन एंड वन रो। जैसे कि यहां पे मैं कर्सर रख रहा हूं तो इसका एड्रेस होगा E10, क्योंकि E रो है और 10 कॉलन है। तो ये एड्रेसिंग सिस्टम की जरूरत क्यों पड़ती है, चलिए इसके बारे में हम पहले डिस्कस करते हैं। तो जैसे कि मैंने यहां पे 20 लिखा है और 30 लिखा है, अब मुझे इन दोनों को प्लस करना है, तो मतलब कि इसको ऐड करना है, कैलकुलेट करना है किसी तरह का, तो आप इक्वल 20 प्लस 30 कर सकते हैं, तो ये ऐड हो जाएगा क्योंकि आपने मैनुअली कर दिया है कैलकुलेटर कैलकुलेशन में करते हैं। उसी तरीके से हमारे पास अगर हम इसको इसके जरिए करना चाहें दूसरे तरीके के जरिए, तो है कि B2 की वैल्यू प्लस B3 की वैल्यू, रिजल्ट आ गया। अब इसमें क्या है कि हमने जो वैल्यू जिस सेल पे स्टोर है उस सेल को हमने कनेक्ट किया है। तो इसमें क्या हुआ कि अगर हम यहां पे कोई वैल्यू चेंज करते हैं तो मेरा रिजल्ट अपने आप चेंज हो जाएगा। तो फॉर्मूले में या किसी चीज में इसको लिंकअप करने के लिए हमें एड्रेसिंग सिस्टम की जरूरत पड़ती है। अब इसका कुछ फायदे भी है और कुछ नुकसान भी है। अब जैसे कि मान लीजिए कि एड्रेसिंग सिस्टम को समझ जाइए कि जैसे मैंने यहां पे किया इक्वल B3 और इसमें हमने प्लस 10 कर दिया, तो B3 आपने जब किया तो सिर्फ यहां पे आपको B2 या B3 लिखा हुआ आ रहा है। इसका मतलब है कि एक्टिव शीट का B3। लेकिन इसी चीज को अगर हम किसी और शीट से करें तो वहां हो जाता है आपका शीट 4 B4 या B3 या B2 जो भी आप देते हैं, मतलब कि किसी और सीट से आप करते हैं तो सीट का नेम भी आ जाता है या फिर आपको लिखना पड़ता है। जनरली VBA में लिखना पड़ता है लेकिन एक्सेल में आ जाता है, लेकिन कभी कभी हमें मैनुअल भी देना पड़ता है, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। अगर यही चीज अगर किसी अलोदर फाइल जैसे कि कोई नई फाइल या पुरानी फाइल, या पुरानी फाइल पे देख लेता हूं मैं, पुराने हम क्लास फाइल लेते हैं, अब इसमें हम इसको लिंक करते हैं तो क्या होगा कि फाइल का कंप्लीट लेंथ आएगा। जैसे इसको सिलेक्ट कर लिया, यहां देखिए आपकी फाइल के साथ उसका पूरा रेफरेंस आया हुआ है। लेकिन फाइल का सिर्फ जस्ट नाम आ रहा है क्योंकि फाइल ओपन है। जैसे हम अपनी इस फाइल को क्लोज करेंगे ये पूरा कंप्लीट पाथ आएगा। उसके बाद हम बात करते हैं डॉलर सिस्टम की कि आपने बहुत सारे फॉर्मूले में डॉलर का इस्तेमाल करते हुए देखा होगा। जैसे एग्जाम्पल कि हम यहाँ पे कुछ रेंज देते हैं, मुझे हर रेंज में 20 ऐड करना है, तो हम इक्वल करेंगे इसको, सेलेक्ट करेंगे प्लस 20 कर देंगे तो हमारा 20 ऐड हो जाएगा। अब फॉर्मूले की एक जब भी हम किसी पर्टिकुलर सेल का लिंक को कॉल करते हैं, मतलब सेल एड्रेस को कॉल करते हैं, तो क्या होता है कि जब उसको कॉपी करके नीचे करते हैं तो वो इंक्रीज होता है। जैसे देखिए A1 जो ऊपर था A2 बन गया, अगर हम नीचे ड्रैग करेंगे तो A3 बन जाएगा। इसका बेनिफिट क्या होता है कि अगर मान लीजिए कि एक कैलकुलेशन आया है, फॉर्मूला आपको पूरे कॉलम में करना है, मतलब पूरे शीट में करना है, बहुत सारी जगहों पे करना है, तो आप उसको कॉपी पेस्ट कर दें तो हो जाएगा। तो आपको हर एक सेल में फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
लेकिन एक प्रॉब्लम और होती है कि इसी चीज को मैं 20 यहां लिख दिया और मुझे इसको सम करना है कि इसको सिलेक्ट कर लिया एंड प्लस हम इसको करते हैं और फिर एंटर मारते हैं। तो यहां पे देखिए 105 आपको दिख रहा है। 105 इट मींस कि वन की वैल्यू एंड डी एन की वैल्यू, जैसे भी इसको ड्रैग करेंगे, तभी थोड़ा देर पहले बताया कि अपनी वैल्यू अपने एड्रेस को इंक्रीज करता है। तो A1 A2 हो गया तो साथ में D1 D2 भी हो गया। अब यहाँ पे D1 को D2 नहीं करना था क्योंकि D1 हमारा फिक्स वैल्यू है, लेकिन यहाँ हो रहा है। तो नतीजा क्या हुआ कि हर सेल में जाके हमें मैनुअल फार्मूला लगाना पड़ेगा। तो मैनुअल फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, आप वन के आगे डॉलर का साइन लगा दें। तो इससे क्या होता है कि आपकी जो रेफरेंसेस है वो एब्सोल्यूट हो जाती है। मतलब कि जब मैं इसको नीचे की तरफ ड्रैग करूंगा तो D1 हमेशा फिक्स रहेगा, D1 अपने आप को चेंज नहीं करेगा, D1 अपने आप को फिक्स रखेगा। तो एक बेनिफिट इसका ये होता है। और आगे जब ड्रैग करेंगे तो DE बन जाएगा क्योंकि हमने $1 का आगे लगाया, क्योंकि हर एक रेफरेंस का दो पार्ट होता है, जो अल्फाबेटिक होते हैं वो कॉलन होता है, जो न्यूमेरिक होता है वो नंबर होता है। तो मुझे दोनों को फ्रीज करना है तो मुझे दोनों के आगे का डॉलर लगाना पड़ेगा, अब चेंज नहीं होगा। तो इस तरह के इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमने आज की पहली टॉपिक को खत्म किया, रेफरेंसिंग सिस्टम को। अब बात करते हैं हम टेम्पलेट को। जैसे कि हमने पहली क्लास में आपको बताया था, हमारी पहली जो डीवीडी थी उसमें हमने बताया था कि जब भी हम न्यू पे क्लिक करते हैं हमारे पास बहुत सारे बने बनाए टेम्पलेट जो माइक्रोसॉफ्ट प्रोवाइड करता है वो मिलते हैं और हम सर्च भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको खुद का टेम्पलेट बनाना हो तो अब खुद का टेम्पलेट क्यों बनाओगे? तो आप ऑफिस के जो भी रिपोर्ट्स है उस रिपोर्ट को क्या करते हो, उसको सेव एज करते हो। सेव एज मतलब आज कल की रिपोर्ट को सेव एज आज की रिपोर्ट में करोगे, नाम चेंज करोगे, कल की जो डेटा था उसको चेंज करके नया डेटा फिल करोगे। तो एवरी टाइम एवरी डे आपको ये करना पड़ता है। तो इसको करने का एक और साधन, एक और तरीका क्या है कि हम एक टेम्पलेट क्रिएट कर ले ताकि हमें बार बार जो है ब्लैंक ही मिले। चलिए तो एक छोटी सी टेम्पलेट आपके सामने हम क्रिएट करते हैं, डेली सेल्स रिपोर्ट। इसको हमने यहां से बड़ा किया, अंडरलाइन किया, डेट, लोकेशन, यहां पे हम देते हैं सीरियल नंबर, नेम, क्वांटिटी, एमआरपी, अमाउंट और हम इसको एक छोटा सा फॉर्मेट बना रहे हैं, टोटल, और हम इस सब में सम का फॉर्मूला लगा देते हैं, सम, इसको सिलेक्ट किया और इसको सिलेक्ट किया और हम इसमें भी मल्टीप्लाई बाय ये कर देते हैं। इस तरह से बनाने के बाद हम यहाँ पे पेज लेआउट में जाते हैं, गियरलाइन को हटा देते हैं और उसके बाद इस फाइल को हम सेव एज करेंगे एक पर्टिकुलर लोकेशन, कोई भी एक लोकेशन उठा लेता हूं मैं, जैसे कि एक्शन और हमने फाइल में और इसमें हमने लगा निकाल लिया और टेम्पलेट। यहां पे हम कैश दे देते हैं, कैश या कुछ भी नाम दे सकते हैं और यस कर दिया और मैं इसको क्लोज कर देता हूं। अब जब भी मैं इस फाइल को, अगर मैं अपनी लोकेशन पे जाता हूं जहां मेरा डेटा सेव है, तो यहां जैसे देखिए इसका लोगो चेंज हुआ, जैसे इसको ओपन करता हूं, इसमें छोटी सी हमने गलती कर दी, माफ कीजिएगा,
हमने इसको सेव एज कैश के नाम से तो किया, लेकिन हमने यहां पे हमने सेव एज टाइप नहीं सिलेक्ट किया। तो इसका जो सेव एज टाइप है वो है एक्सेल टेम्पलेट, उसको सिलेक्ट कर लेते हैं। तो एक्सेल टेम्पलेट करने के बाद क्या हुआ कि ये एक लोकेशन में आपका सेव हो गया टेम्पलेट में। अब मैं जब भी इस फाइल को ओपन करूंगा, एक तो इसका लोगो अलग हो गया, देखिए इसका लोगो अलग हो गया। जब भी मैं इसको ओपन करूंगा तो एक कैश वन, कैश टू, कैश थ्री इस तरह से, देखिए कैश वन आया। अगर मैं दोबारा इसको ओपन करूंगा इसी फाइल को तो कैश टू आएगा, जैसे कि आपका बुक वन, बुक टू, बुक थ्री होता है सेम उसी तरीके से। तो हर बार मुझे ब्लैंक आएगा। तो हमने अपनी दूसरी टॉपिक खत्म कर ली जो कि है टेम्पलेट। अब तीसरी टॉपिक है फाइल की प्रॉपर्टी और आज की लास्ट की प्रॉपर्टी। जैसे यहां दिख रहा है प्रोजेक्ट, तो अब प्रोजेक्ट में क्या किस तरह का प्रोजेक्ट है पता चल रहा है नहीं चल रहा है? नहीं चल रहा है? तो जब तक कि मैं इसको ओपन ना करूंगा तब तक पता नहीं चलेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, फाइल की प्रॉपर्टी में जाते हैं और इसकी डिटेल मेंटेन कर देते हैं। कोई इंपॉर्टेंट फाइल है या फिर बार बार इसको यूज होता है या फिर भूल जाते हो तो कर सकते हो। यहां पर हमें लिख दिया कि VVA लूप प्रोजेक्ट देते हैं यहां पे 3-5 बैच लाइव प्रोजेक्ट। मैं लाइव प्रोजेक्ट ही देता हूं बच्चों को और टैग वगैरह देना है। अब जैसे मैं इसको किस तरह सर्च किया जा सकता है, जैसे कि इसको हमें लिख दिया फोर लूप के द्वारा सर्च किया जाता है, डू लूप से सर्च किया जाता है, या फिर इसको हम प्रोग्रामिंग से सर्च कर सकते हैं। तो जो से कीवर्ड्स हो गए, जो एक्सेल में अभी गूगल पे बराबर बनाते हैं हम लोग, वेबसाइट बनाते समय कैटेगरी डालना है, कैटेगरी डालिए और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन डालना है डालिए, नहीं डालना है मत डालिए। हमने इसको अप्लाई किया एनओ के किया। एक बार रिफ्रेश करता हूँ। अब जैसे इस पर कर्सर जाएगा तो कर्सर जाते ही मुझे इसके बारे में पता चल जाएगा कि ऑथर, इस फाइल को किसने क्रिएट किया, टाइटल, सब्जेक्ट और चीज़ें पड़ जाएगी इसके बारे में पता चलेगा। लेकिन जो अपने टैग बनाया था उस टैग का क्या, वो टैग यूज होता है सर्चिंग में। जैसे कि मैं सर्च करूंगा यहाँ पे फोर, F4, यहाँ पे देखिए प्रोजेक्ट आया क्योंकि टैग में हमने फोर लगाया और सबसे ऊपर आया है फॉर्म, देखिए इसका नाम में है तो नीचे आया क्योंकि टैग को पहले सर्च करता है और वो ऊपर आता है, तो हमने प्रोजेक्ट इसलिए बनाया इसको, तो सर्चिंग में काम आया। तो आज की इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। अगली वीडियो में हम और भी नई चीज़ें लेके आएंगे, लेकिन मैं YouTube पे पूरी कंप्लीट सीरीज कभी नहीं डालता हूँ क्योंकि मैं ऑनलाइन DVD, हम लोग DVD की सेल आउट करते हैं, पेन ड्राइव सेल करते हैं, डाउनलोडिंग लिंक देते हैं, हमारा चार्जेज होता है, या फिर आप हमारे साथ जूम ऐप के थ्रू लाइव क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हो। इन सारे डिटेल्स आप मेरी वेबसाइट iptindia.com पे जाके ले सकते हो। और मेरे मोर वीडियो के लिए आप YouTube पे जाएं और iptindia को सर्च करें, हमारे बाकी सारे वीडियो आ जाएंगे और चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा।